हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, मिस्टर एंड मिसेस गौतम ब्लॉग्स। तो गाइस, आप सबको जैसे पता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर इस टाइम पे सेल आ रखी है, तो उसी सेल में हमने भी कुछ अपने लिए मंगाया है जो हमारी स्टडी और हमारे ऑफिस वर्क के लिए काम में आए। तो ये आई होप आप सब गैस कर चुके होंगे। हाँ, हमने आज अपने घर में एक नया लैपटॉप मंगाया है जो कि हमने इस सेल में ख़रीदा है, और इस टाइम पे ये सेल बहुत सही चल रही है। सही प्राइजेज में आपको कोई भी चीज़ आराम से मिल जाएगी। तो हमने भी अपने फ्रेंडली बजट जो हमारा है, उस बजट के अंदर हमने एक नया लैपटॉप मंगाया है। चलो आप सबको भी वो लैपटॉप दिखाते हैं। तो गाइस, ये आ चुका है हमारा लैपटॉप एसस कंपनी का। चलो इसकी करते हैं अब हम अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये देखो हमारा लैपटॉप, और इसको खोलते हैं हम। इसके अंदर पहले ये कार्डबोर्ड है, इसे हटाओ। ये देखिए इसकी पैकिंग, एसएस की कंपनी की पैकिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए आपका लैपटॉप ऐसे, देखिए एसएस कंपनी का ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप को साथ अभी और क्या चीज़ हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे मैनुअल्स मिलेंगे। यहाँ पर इसका आपको चार्जर और पावर प्लग मिलेगी। इसका जो अडेप्टर है, जो चार्जर है, अडेप्टर है, ये बड़ा छोटा सा है, जैसे मेरे वन प्लस फोन का है छोटा सा, इस तरीके से। इसकी वायर बड़ी लंबी है, पर बड़ा पॉकेट टाइप का है, आप आराम से इजी कैरी कर सकते हो इसको कहीं पे भी। ये दो चीज़ें इसके साथ आपको मिलती हैं, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद हम आपको इसका लैपटॉप दिखाते हैं। ये देखिए एसएस का लैपटॉप, ये आपको ऐसी इसकी अंदर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका पावर बटन है जो कि ज़्यादातर आपने लैपटॉप में देखा होगा, इधर इस साइड होता है। इसको ऑन करते हैं, एसएस स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। देख फ्रेंड, जैसे अब हम इस लैपटॉप के बारे में कुछ बताएंगे, जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें जो इसकी आप डिस्प्ले देख रहे हो, ये जो डिस्प्ले है इसकी, ये फुल एचडी डिस्प्ले है। और जो इसका जो साइज़ है, वो साइज़ आपको 15.6 इंचज़ में इसका साइज़ आपको मिलेगा। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको विंडो 11 मिलेगा, और जो इसके अंदर रैम है वो 16 GB है, और एसएसडी स्टोरेज के साथ आपको 512 GB में ये मिलेगा। और इसके अंदर जो आपको प्रोसेस मिलेगा वो इंटेल कोर i5 11th जनरेशन का आपको इसके अंदर प्रोसेस मिलेगा। उसके साथ साथ आपको, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फिंगर टच बोल सकते हैं, लॉक मिलेगा। और जैसा आप देख रहे हो, ये आपको मेटेलिक ग्रे कलर का आपको ये लैपटॉप मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो मिलेगा। और आप अगर इसकी बैक साइड आ जाते हैं, तो बैक साइड आपके इस लैपटॉप के अंदर आपको यहाँ पर, इसको हीट ना हो ज़्यादा इसलिए यहाँ पे आपको फ़ैन मिलेगा, जिसकी वजह से ये कूलिंग रहे। और यहाँ पे शायद इसके स्पीकर्स दे रखे हैं दोनों साइड पे, और यहाँ पे ये जो रबड़स दे रखी हैं जिसकी वजह से ये मूव ज़्यादा ना करे और आपका एक जगह पे स्टे कर सके। तो ये हमारा मेटेलिक कलर का लैपटॉप मिल आ चुका है। और इसकी जो खासियत और चीज़ें जो बताना चाहूँगा मैं, जो आपको जैसे अभी बताया था हमने कि फुल एचडी डिस्प्ले है इसकी, तो इसके अंदर आपको मैं कलर्स दिखाता हूँ यूट्यूब पे थोड़े से, कि सही में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने यूट्यूब खोल लिया है, अब यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो प्ले करी है, इसके अंदर आप अगर देख सकते हो कलर्स, आप देखिए बहुत नेचुरल कलर आपको शो होंगे, जैसे रियल टाइप के। इतने प्राइस में अगर ऐसी डिस्प्ले मिल रही है तो वो बहुत सही है। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो लैपटॉप में, अपने घर के कोई भी वर्क है आपका, स्टडी से रिलेटेड या आपके ऑफिस से रिलेटेड, वो आप इसके अंदर कर सकते।
सबसे अच्छी जो खासियत है इसके अंदर कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पूरी लाइफ टाइम के लिए उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको फ्री मिलेंगे और आप यूज़ कर सकते हो इनको। तो फ्रेंड्स, ये थी इस लैपटॉप के बारे में थोड़ी सी खास डिटेल्स जो मैं आपको शेयर करना चाहता था आपके साथ, और मैंने अनबॉक्सिंग करी। और फ्रेंड्स, ये जो इस टाइम पे फ्लिपकार्ट पर आपको लैपटॉप मिलेगा वो 44,990 का पड़ेगा, और मेरे को कुछ मैंने ये थोड़ा सा अपने बजट के हिसाब से ख़रीदा है, कुछ ऑफ़र लगा के थोड़ा सा और कम प्राइसेस में मेरे को पड़ा। आपको शायद GST आप लगाओगे तो शायद आपको भी उस प्राइस में मिल जाए जिस प्राइस में मेरे को मिला है। तो और जो इसके बारे में जो खासियत है वो मैं आपको अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं अपने HP लैपटॉप के साथ इसको कंपेयर करूंगा। ये हो चुकी है हमारे लैपटॉप की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी, जिसके और कुछ जो खासियत हैं वो मैं आपको कंपेयर करके तो बता ही दूंगा अगली वीडियो में। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि कमेंट भी करें, कि जिससे हमें पता चले कि क्या कमी है हमारी वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।